डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेस। जैसा कि हम पढ़ रहे थे फ्रांस की राज्य क्रांति, फ्रांस की राज्य क्रांति में हमने देखा उसके कारण, उसके बाद में जीने का संघर्ष और उसका घटनाक्रम। अंतिम जो टॉपिक हमने पढ़ा फ्रांस की राज्य क्रांति में, बास्टिल के दुर्ग का पतन, क्योंकि तृतीय एस्टेट के जो व्यक्ति थे वो राजा से नाराज़ थे, प्रथम एस्टेट और दूसरे एस्टेट से भी नाराज़ थे और कहीं ना कहीं फ्रांस के पृथक संविधान की मांग कर रहे थे। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और टेनिस कोर्ट के मैदान में ही सभा करने लग गए और उन्होंने अपनी मांग रखी कि राजा के जो अधिकार हैं उन्हें सीमित किया जाए और फ्रांस की जनता के लिए पृथक संविधान बनाया जाए, और इसमें उन्हें सफलता भी प्राप्त हुई। और अंत में चलकर 1791 ईस्वी में जो फ्रांस का संविधान था उसके प्रारूप को स्वीकार कर लिया गया। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं फ्रांस का संवैधानिक राजतंत्र बनना। देखो, राजतंत्र का मतलब होता है राजा का शासन, लेकिन संवैधानिक, संविधान का मतलब कि संविधान और कानून के नियमों के अनुसार कार्य करना या शासन चलाना। फ्रांस का संवैधानिक राजतंत्र बनना, देखिए 1791 में जो फ्रांस के संविधान का जो प्रारूप था उसको क्या कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, यानी कि जो प्रारूप था, संविधान का प्रारूप था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि जो राजा की शक्तियां थी, निरंकुश था राजा, स्वेच्छाचारी था, इस प्रकार की शक्तियों को सीमित करना, यानी कि राजा की शक्तियों को सीमित करना और जो शक्तियां थी प्रशासन की उन शक्तियों का विभाजन या बंटवारा। अर्थात संविधान के प्रारूप का या संविधान बनने के पीछे एक ही उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था? कि राजा की शक्तियों को सीमित करके शक्तियों का विभाजन करना। कैसे? शक्तियों का विभाजन किसमें? विधायिका में, कार्यपालिका में और न्यायपालिका में। यानी कि शक्तियों का विभाजन किसमें करना? विधायिका में, कार्यपालिका में और न्यायपालिका में। संविधान ने कानून बनाने का अधिकार, यानी कि कहीं ना कहीं जो नेशनल असेंबली बन गई थी तो संविधान में एक प्रस्ताव भी ऐसा आ गया कि जो भी कानून बनेगा वो कौन बनाएगा? अब नेशनल असेंबली। यानी कि अब शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया, राजा की शक्तियों को कम कर दिया गया, सीमित कर दिया गया, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में शक्तियों को बांट दिया गया और संविधान में जो भी कानून है उनको बनाने का अधिकार किसको मिल गया? नेशनल असेंबली। बता दूं मैं आपको, नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। अब नेशनल असेंबली का चुनाव किस प्रकार से होता था, किस प्रकार से उसे चुना जाता था, वो हम इस ग्राफ के जरिए देखते हैं। कैसे? देखिए, न्यायाधीश किसका नेतृत्व करता था? न्यायपालिका। ये न्यायपालिका है, ये न्यायपालिका हो गया, न्यायाधीश। सम्राट कार्यपालिका और नेशनल असेंबली विधायिका। ये इस तरह से इनका बंटवारा किया गया, न्यायपालिका, न्यायाधीश, कार्यपालिका, सम्राट, नेशनल असेंबली, विधायिका। आपको मैं बता दूं कि नेशनल असेंबली का चुनना किस प्रकार से होता था। इसमें सक्रिय नागरिक जिन्हें मतदान देने का अधिकार प्राप्त था। कैसे? जो सक्रिय नागरिक थे वह मतदान करते थे, वह मतदान करके किसको चुनते थे? निर्वाचक। ध्यान से देखिए, सक्रिय नागरिक
जो मतदान करते थे और मतदान करके किसको चुनते थे, निर्वाचक, और इस निर्वाचक में जो संख्या होती थी वो कितनी थी, 50,000 पुरुष। ध्यान से सुनिए कि सक्रिय नागरिक वोट देंगे और वोट देने के बाद में किसको चुनते हैं, निर्वाचक को, और निर्वाचकों की संख्या कितनी थी, 50,000 पुरुष। उसके बाद में ये निर्वाचक वोट देंगे और ये किसको चुनेंगे, नेशनल असेंबली के सदस्यों को। ध्यान देवें, सक्रिय नागरिक मताधिकार का प्रयोग इनको था, ये मत देंगे और मत के बाद में ये चुनेंगे निर्वाचक को। निर्वाचक कितनी संख्या में चुने गए, 50,000, और ये 50,000 मिलकर वोट देंगे, इसमें से कितने सदस्यों को चुनेंगे, 745 सदस्य, कहां पर, नेशनल असेंबली में। ये विधायिका तैयार हो गई इनकी, ठीक है, जिसका नियंत्रण मंत्री और सम्राट के ऊपर होता था, ठीक है, नेशनल असेंबली का नियंत्रण मंत्री और सम्राट के ऊपर होता था। दोबारा समझिए, सक्रिय नागरिक, अब यहां देखने की चीज है कि सक्रिय नागरिक क्या चीज है। सक्रिय नागरिक यानी कि फ्रांस की कुल जनसंख्या का उस समय 2.8 करोड़ में से 40 लाख लोग ऐसे थे जो मतदान का अधिकार प्राप्त था। अब मतदान का अधिकार इनको क्यों मिला, इसके पीछे भी एक लॉजिक है कि एक तो सक्रिय नागरिक और एक निष्क्रिय नागरिक, सक्रिय नागरिक और निष्क्रिय नागरिक। फ्रांस में उस समय सभी व्यक्तियों को मतदान देने का अधिकार नहीं था, जो व्यक्ति मतदान करता था वह सक्रिय नागरिक कहलाता था, और निर्वाचक और नेशनल असेंबली में जाने के लिए या इसका सदस्य बनने के लिए फ्रांस के नागरिक को उच्चतम श्रेणी का करदाता होना आवश्यक था। यह इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुन ले कि फ्रांस में निर्वाचक बनने के लिए और नेशनल असेंबली का सदस्य बनने के लिए उच्चतम श्रेणी का करदाता होना आवश्यकता, यानी टैक्स देने वाला। अब यहां देखना है कि सक्रिय नागरिक कौन है, भाई कौन से नागरिक को सक्रिय बताया है फ्रांस में, यह बताया है देखिए कि 25 वर्ष से अधिक, ये देखो लिखा हुआ है कि 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले ऐसे पुरुष जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे, यानी कि उस समय फ्रांस में मतदान की आयु कितनी थी, 25 वर्ष। फ्रांस में मतदान की आयु कितनी थी, 25 वर्ष। और सक्रिय नागरिक कौन होता था, ऐसा व्यक्ति या ऐसे पुरुष जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी, 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर देता था, यानी कि वह व्यक्ति सक्रिय नागरिक कहलाता था, और उसे ही मतदान देने का अधिकार प्राप्त था। तो यह हो गई हमारी जो भी सत्ता का विभाजन है, किस प्रकार से हुआ, न्यायाधीश है न्यायपालिका, सम्राट कार्यपालिका, विधायिका में आ गया आपके नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली में कितने सदस्य थे, 745 सदस्य। इन सदस्यों को कौन चुनता था, निर्वाचक। निर्वाचक मिलकर नेशनल असेंबली के सदस्यों को चुनते थे, जिनकी सदस्य संख्या कितनी थी, 50,000 पुरुष। उसके बाद में इन निर्वाचकों को कौन चुनता था, सक्रिय नागरिक। सक्रिय नागरिक निर्वाचक को चुनते थे, और सक्रिय नागरिक कौन होते थे, जो 25 वर्ष की आयु को पूर्ण कर चुके हों तथा कम से कम 3 दिन की जो मजदूरी के बराबर टैक्स देते थे, वे सक्रिय नागरिक कहलाते थे। निष्क्रिय नागरिक में ऐसे व्यक्ति आ गए जो टैक्स नहीं देते थे या 25 वर्ष से कम आयु के थे, और महिलाएं, ये किसमें आ गए,
निष्क्रिय में, एक हो गया सक्रिय और एक हो गया निष्क्रिय। उस समय फ्रांस में मतदान देने का अधिकार किसको था? सक्रिय नागरिक को। तो यह हो गया प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार से फ्रांस का संवैधानिक राजतंत्र बना। उसके बाद में जो संविधान बना वो नागरिकों के कल्याण के लिए बना, उनके अधिकारों के लिए बना, और उसमें सबसे पहले जो शुरुआत हुई संविधान में वो हुई पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ। यानी कि जब फ्रांस का संविधान बन गया, प्रारूप बन गया, उसमें जो शुरुआत की गई वो किसके साथ की गई? पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ, जिसमें ये कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके अधिकार मिलने चाहिए, जैसे जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार, कानूनी बराबरी के अधिकार को अनिवार्य रूप से स्थापित किया गया। ध्यान से सुनिए कि जब फ्रांस का संविधान बना तो उसमें अनिवार्य रूप से कुछ अधिकारों को लागू कर दिया गया, जिसमें जीवन का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून के बराबर अधिकार, यानी कि कानूनी बराबरी, कि कानून की दृष्टि में सभी समान हो, ये अधिकार अनिवार्य रूप से स्थापित कर दिए गए। यानी कि और ये कह दिया गया कि ये अधिकार व्यक्ति को जन्मना प्राप्त थे। जन्मना का मतलब हम पहले देख चुके हैं कि जन्म से ही पहले क्या कानून था फ्रांस में कि प्रथम एस्टेट और द्वितीय एस्टेट, ये ऐसे दो वर्ग थे जिनको कुछ अधिकार जन्मना प्राप्त थे, और मुख्य जो अधिकार प्राप्त था प्रथम एस्टेट और द्वितीय एस्टेट को वो क्या था? कर नहीं देना। यानी कि प्रथम एस्टेट के व्यक्ति पादरी और कुलीन वर्ग जो द्वितीय वर्ग के व्यक्ति थे वो कभी भी फ्रांस में टैक्स नहीं देते थे। जो करों का भार था वो किसके ऊपर था? तृतीय एस्टेट के ऊपर, जिनका लगातार शोषण हो रहा था। लेकिन तृतीय एस्टेट के आंदोलन के बाद में संविधान बना और उस संविधान में ये तय कर दिया गया कि प्रत्येक व्यक्ति को कुछ ऐसे अधिकार हैं जो जन्मना प्राप्त होने चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। जैसे जीवन का अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति को जीने का अधिकार है तो ये समान रूप से होना चाहिए। उसके बाद में अभिव्यक्ति, अपनी बात रखने का अधिकार सभी को होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इसमें भेदभाव हो कि तृतीय एस्टेट के व्यक्तियों को अधिकार नहीं होना चाहिए अभिव्यक्ति का, और जो दो एस्टेट है प्रथम और द्वितीय उनको अधिकार होना चाहिए, ऐसा नहीं था। संविधान में यह कह दिया गया कि प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति का भी अधिकार होना चाहिए। तीसरा है कानूनी बराबरी के अधिकार, यानी कानून के सामने सभी व्यक्तियों को समान आंका जाएगा, समान महत्व दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई कुलीन है या पादरी है उनको विशेष महत्व दिया जाए, ऐसा नहीं था। इन अधिकारों को अब क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया और समान कानून अधिकार बना दिया गया, और इसे अनिवार्य रूप से लागू कर दिया गया कि प्रत्येक व्यक्ति को ये जन्मना अधिकार प्राप्त होंगे। पहले अधिकारों की व्याख्या अलग की जाती थी जन्मना अधिकारों की, कि कुछ ही व्यक्तियों को जन्मना अधिकार प्राप्त थे और कुछ को नहीं थे, लेकिन अब संविधान बनने के बाद में प्रत्येक व्यक्ति को ये अधिकार दे दिए गए और इन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता। उसके बाद में राज्य का यह कर्तव्य था कि वह इन अधिकारों की रक्षा करें। यानी कि वहां का जो राजा था या जो सरकार थी या जो संस्थाएं थी उनको ये अधिकार दिया गया कि आप कहीं ना कहीं ये जो अधिकार दिए गए हैं प्रत्येक नागरिक को, इन अधिकारों की आप क्या करें? रक्षा करें। और उस घोषणा पत्र में कौन कौन से मुख्य जो अधिकार हैं या किन बातों का जिक्र किया गया है वो हम देख लेते हैं। पहला है कि व्यक्ति स्वतंत्र पैदा होता है और स्वतंत्र रहता है और उसके अधिकार भी समान होने चाहिए।
यानी घोषणा पत्र की पहली बात क्या थी कि व्यक्ति स्वतंत्र पैदा होता है, स्वतंत्र रहता है, तो उसके अधिकार भी क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। जो भी राजनीतिक संगठन है या जो सरकारें हैं उनका यह दायित्व होना चाहिए कि आप उन अधिकारों की रक्षा करें या उसका संरक्षण करें। यह दायित्व किसका है? राजनीतिक संगठनों का। उसके बाद में ऐसा कोई भी कार्य ना हो जिससे किसी प्रकार का नुकसान हो, या ऐसा कोई भी कार्य ना करें, सरकार भी ना करें और व्यक्ति भी ना करें जिससे वो किसी के लिए नुकसानदायी हो। उसके बाद में ऐसा कोई भी ना तो सरकार ना व्यक्ति हानिकारक कृत्य या कार्य करें जिससे किसी का नुकसान हो। ऐसे कार्य करो जहां पर जनता का भला हो, सरकार के हित में वो कार्य हो, अर्थात हानिकारक जो भी कृत्य थे उनके ऊपर क्या लगा दी गई, पाबंदी। ठीक है, और ये अधिकार किसको दिया गया? कानून को। यानी कानून के पास ये अधिकार दिया गया कि कोई भी अगर हानिकारक कृत्य हो रहा है या कार्य हो रहा है उसके ऊपर आप क्या कर दें, पाबंदी लगा देवे। उसके बाद में कानून की नजर में, मैंने पहले भी कहा था कि एक ऐसी सरकार का गठन हो जहां पर कानून की नजर में सभी व्यक्ति क्या हो, समान हो। तो यह घोषणा पत्र में कहा गया कि कानून की नजर में सभी व्यक्तियों को समान दर्जा देना चाहिए, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। हाँ, जो कर लेने की प्रक्रिया थी, जो टैक्स लेने की प्रक्रिया थी, वो यथावत तो नहीं रखी गई, परंतु उसमें कुछ संशोधन किया गया, क्योंकि जानते हैं प्रशासन और सरकार को चलाने के लिए आर्थिक स्थिति का मजबूत होना आवश्यक है। तो उस समय यह कह दिया गया कि राज्य कार्य चलाने के लिए या सैन्य प्रशासन की को चलाने के लिए कहीं ना कहीं पैसों की आवश्यकता होगी, कर की आवश्यकता होगी। तो उसमें यह निश्चित कर दिया गया कि आवश्यकता के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को कर देना अनिवार्य है। इसमें भेदभाव नहीं किया गया, उसमें सभी के लिए कह दिया गया कि प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यकता के अनुसार कर देना अनिवार्य है ताकि प्रशासन सही ढंग से चल सके। तो ये आज का ये टॉपिक है कि प्रमुख रूप से किस तरह से फ्रांस का संवैधानिक राजतंत्र बना, कार्यपालिका हो, विधायिका हो या फिर न्यायपालिका हो, किसका चयन किस प्रकार से होता था, सक्रिय नागरिक हो गए, निष्क्रिय नागरिक हो गए, सक्रिय नागरिक कौन कौन से हैं उसके बारे में हमने देख लिया, संविधान बन गया, संविधान का प्रारूप बन गया, उसका घोषणा पत्र बन गया और उसमें प्रमुख जो अधिकार थे उसमें बताए गए हैं कि भाई कौन कौन से अधिकार व्यक्ति को जन्मना प्राप्त हुए हैं या होने चाहिए। उसके बाद में घोषणा पत्र कि सरकार का और एक आम व्यक्ति का क्या दायित्व है।